नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 अक्टूबर 2019 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ INS नीलगिरी के बारे में है। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं क्या है ये INS नीलगिरी। देखो, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रीगेट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 शिप्स को अपने बेड़े में शामिल किया गया था नेवी के द्वारा 2012 तक। मतलब 3 शिप्स को एक्वायर किया जाना था, अपने बेड़े में शामिल किया जाना था नेवी को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और नेवी ने उन 3 शिप्स को कमीशन कर लिया 2012 तक। उसके बाद नेवी को आवश्यकता महसूस हुई कि इस प्रकार के हमें और भी शिप्स चाहिए, तो सरकार ने इसी प्रोजेक्ट की तर्ज पर एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जिसका नाम है 17A। यहाँ पर देखो, प्रोजेक्ट 17A ये पुराने प्रोजेक्ट का फॉलो ऑन है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7 शिप्स नेवी के द्वारा अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे। पहले पुराने प्रोजेक्ट में कितने शिप्स को कमीशन किया गया था? 3। और जो ये फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A, इसमें कितने शिप्स को कमीशन किया जाएगा? 7। अब 7 में से पहला जो शिप है उसको देखो, नेवी ने अपने बेड़े में अब शामिल कर लिया है। 7 को किया जाना है, 6 बाकी हैं, और पहले शिप को कमीशन कर लिया गया है जिसका नाम है INS नीलगिरी। इसको डेवलप किया गया था, बिल्ड किया गया था मजगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। INS नीलगिरी की खास बात देखो ये है, ये शिप इनहेंस्ड स्टील्थ फीचर्स वेपन्स और सेंसर से इक्विप्ड है। स्टील्थ फीचर्स मतलब स्टील्थ टेक्नोलॉजी, देखो वो टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल किसी शिप के द्वारा किया जाता है दुश्मन देश के रडार को अवॉइड करने के लिए। मतलब कोई शिप है, इस पे अच्छे स्टील्थ फीचर्स हैं, इसका मतलब वो शिप दुश्मन देश की रडार पर नहीं आएगा। तो काफ़ी अच्छे स्टील्थ फीचर्स हैं INS नीलगिरी के, काफ़ी अच्छे वेपन्स इक्विप हो चुके हैं और सेंसर भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें, देखो 7 शिप्स को जो कमीशन किया जाएगा उनमें से 4 शिप्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मजगांव डोक लिमिटेड मुंबई में, और बाकी 3 शिप्स को बिल्ड किया जाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, जो कि कोलकाता में है। और इन 7 शिप्स के जो नाम हैं वो हिल रेंजेस पर आधारित हैं। जैसा आप देख सकते हो, INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, ये सब हिल रेंजेस हैं इंडिया की। नेक्स्ट आर्टिकल गालो कम्युनिटी के बारे में है। हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ है गालो कम्युनिटी के बारे में। देखो, अरुणाचल प्रदेश में 26 यानी 26 मेजर कम्युनिटीज़ हैं, और 26 में से एक मेजर कम्युनिटी है गालो कम्युनिटी। अरुणाचल प्रदेश के सियांग, सुबनसिरी, लेपाराडाम डिस्ट्रिक्स में कॉन्सेंट्रेटेड है ये गालो कम्युनिटी। देखो, एक ग्रुप है टानी ग्रुप। टानी ग्रुप में काफ़ी सारी ट्राइब्स आती हैं और उनमें से एक है गालो कम्युनिटी। और टानी ग्रुप के एंसेस्टर की हम बात करें, मतलब टानी ग्रुप के अंदर जो ट्राइब्स आती हैं उनका कॉमन ओरिजिन है एबोटानी। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। खास बात देखो गालो कम्युनिटी की ये है, अपनी 20 जनरेशन पुराने पूर्वज का नाम भी इनको याद होता है, ये रिकॉल कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में आया होगा कैसे ये पॉसिबल है। गालो कम्युनिटी के बच्चों के जो नाम होते हैं उनके नाम के आगे फादर के नाम का सेकंड सिलेबल भी अटैच होता है। सिलेबल क्या होता है ये देखो, सिंगल यूनिट ऑफ रिटन या फिर स्पोकन वर्ड। जैसे देखो, कैट, कैट 1 सिलेबल वर्ड है, होटल ये 2 सिलेबल वर्ड है। बस एक आइडिया ले लीजिए गालो कम्युनिटी के लोगों के नाम किस प्रकार से होते हैं। बच्चे का जो नाम होता है, बच्चे के नाम से पहले फादर का सेकंड सिलेबल भी अटैच होता है। तो देखो, ये प्रथा काफ़ी सालों से चली आ रही है, 20 जनरेशन पुरानी ये प्रथा है। आज के समय में बच्चों के जो नाम हैं उनके नाम में 20 जनरेशन पुराने जो पूर्वज हैं उनके नाम का भी रिफ्लेक्शन, या फिर आप कह सकते हो झलक देखने को मिलती है, और उसी रिफ्लेक्शन के सहारे बच्चे बता सकते हैं कि 17th जनरेशन पहले हमारे जो पूर्वज थे उनका नाम ये था, या फिर 14 जनरेशन पहले जो हमारे पूर्वज थे उनका नाम ये था। तो नाम में वर्ड्स
इस प्रकार से होते हैं कि पुराने एंसेस्टर्स का जो नाम है वो रिकॉल किया जा सकता है। वैसे देखो टानी ग्रुप में और भी काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं, जैसे मिसिंग, अडी, अपाटानी, नीशी, टागिन। इन कमिटीज़ के द्वारा इस प्रकार की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया जाता है। लास्ट खास बात, गालो कम्युनिटी के द्वारा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मोपिन। मोपिन गालो कम्युनिटी के लोगों का मेन फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के महीने में। विलेजेस की प्रॉस्पर्टी यानी समृद्धि और वेल्थ के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है गालो कम्युनिटी के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक फैसले से संबंधित है। क्या किया है इन्होंने? देखो पहले तो आप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में जान लीजिए। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। काम क्या है इस बॉडी का? काम देखो ये है, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो सेलिस्टियल बॉडीज होती हैं जैसे स्टार, प्लैनेट्स, उनकी स्टडी को प्रमोट किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और सेलिस्टियल बॉडीज को नाम भी दिया जाता है, और उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। न्यूज़ ये है, एक एस्ट्रॉयड का नाम रख दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा पंडित जसराज के नाम पर। पंडित जसराज भारत के बहुत ही फेमस वोकलिस्ट हैं यानी गायक हैं, जिनको इंडिया में बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जैसे पद्म विभूषण, संगीत नाटक एकेडमी और भी बहुत सारे टाइटल्स, ऑनर्स, अवार्ड्स मिल चुके हैं पंडित जसराज को। और अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी इनको सम्मान दिया है और एक एस्ट्रॉयड का नाम रख दिया गया है इनके नाम पर। इस एस्ट्रॉयड को डिस्कवर किया गया था 2006 में। एस्ट्रॉयड देखो एक प्रकार से रॉकी बॉडीज होती हैं यानी चट्टान जैसी बॉडीज होती हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। प्लैनेट की जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं किया जाता एस्ट्रॉयड्स के द्वारा। इनका साइज 1 किलोमीटर भी हो सकता है और 1000 किलोमीटर तक का साइज भी हो सकता है एस्ट्रॉयड का। बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच। ये एक बेल्ट है, देखो ये बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में। बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स यहां पर मिलते हैं। अगर यूपीएससी पूछे एस्ट्रॉयड की बेल्ट कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में। नासा ने एस्ट्रॉयड्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है कंपोजिशन के आधार पर, सी टाइप, एस टाइप, एम टाइप। सी टाइप जो कैटेगरी है उसमें वो एस्ट्रॉयड्स आते हैं जिन जो क्ले और सिलिकेट रॉक से मिलकर बने हैं। एस टाइप में वो एस्ट्रॉयड्स आते हैं जो सिलिकेट मटेरियल और निकल आयरन से मिलकर बने हैं। और लास्ट में एम टाइप कैटेगरी में वो एस्ट्रॉयड्स आते हैं जिनकी कंपोजिशन मेटलिक है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने नाम रखा है एक एस्ट्रॉयड का पंडित जसराज के नाम पर। नेक्स्ट आर्टिकल सलार देविनी के बारे में है। ये बोलीविया में है। बोलीविया की लोकेशन एक बार आप देख लीजिए साउथ अमेरिका में। ये देखो यहाँ पर है बोलीविया। साउथ अमेरिका के सबसे ज़्यादा गरीब देशों में से एक है बोलीविया। यहाँ पर इस देश में है सलार देविनी। है क्या ये सलार देविनी? ये देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट साल्ट पैन या फिर आप कह सकते हो साल्ट फ्लैट है। ये है साल्ट फ्लैट, मतलब हजारों साल पहले यहाँ पर एक लेक हुआ करती थी यानी झील हुआ करती थी जो अब सूख चुकी है। पानी अभी भी कई सीजन्स में इस रीजन में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी सूख जाता है ड्राई सीजन में, इस प्रकार की जमीन इमर्ज होकर आती है और यही है साल्ट पैन। इस प्रकार के साल्ट पैन हमारे देश में गुजरात में काफ़ी देखने को मिलते हैं। बोलीविया के ये जो साल्ट पैन हैं ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट साल्ट पैन हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ देखो ये है, ये जो हजारों किलोमीटर फैले हुए साल्ट पैन हैं इनके नीचे लिथियम के रिजर्व हैं। और बोलीविया काफ़ी गरीब देश है, लिथियम की डिमांड आपको पता है बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें जो बैटरी यूज़ होती है बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है, तो पूरी दुनिया में लिथियम की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो बोलीविया सरकार अब प्लान कर रही है साल्ट पैंस के नीचे जो लिथियम के रिजर्व हैं उनको बड़े स्केल पे उनकी माइनिंग स्टार्ट होनी चाहिए ताकि कुछ रेवेन्यू प्राप्त हो बोलीविया को
और बोलीविया जो अभी सबसे ज़्यादा गरीब देशों में से एक है साउथ अमेरिका के, थोड़ा वहाँ पे इनकम लेवल बढ़े लोगों का, बोलीविया की जो इकोनमी है वो थोड़ी बूस्ट हो। कहा देखो ये भी जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 50-70% लिथियम का जो रिजर्व है वो यहीं पर है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सलार देउइनी के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल माउंट ब्लैंक के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है माउंट ब्लैंक जो ग्लेशियर्स की एक रेंज है और वेस्टर्न यूरोप में हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, इस ग्लेशियर्स की रेंज में एक जो ग्लेशियर है प्लान पिंस्यूक्स, इस ग्लेशियर का एक बड़ा सेक्शन जो है वो कोलैप्स होने वाला है, मतलब खतरा है इस ग्लेशियर का एक बड़ा सेक्शन कोलैप्स हो सकता है। हम बात करें माउंट ब्लैंक की, 11 पीक्स इस रेंज में ऐसी हैं जिनकी हाइट 4000 मीटर से ऊपर है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर है ये रेंज माउंट ब्लैंक रेंज, और इसलिए आप कह सकते हो इटली में भी आती है ये रेंज और फ्रांस में भी आती है क्योंकि बॉर्डर पर है। आप मैप भी देख सकते हो, ये ऊपर फ्रांस है नीचे इटली है। रीज़न देखो ये है ग्लेशियर के एक बड़े सेक्शन के कोलैप्स होने के खतरे का, कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस वजह से जो पोलर आइस शीट्स हैं वो रिट्रीट कर रही हैं, यानी बर्फ़ पिघल रही है। इस माउंटेन रेंज का जो नाम है वो माउंट ब्लैंक ही है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, शायद मैंने गलती से माउंट ब्लैंक बोल दिया था, नाम ही ऐसा है इस माउंटेन रेंज का, माउंट ब्लैंक। लास्ट आर्टिकल जो है वो बथुकामा के बारे में है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, इस बथुकामा को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है और ये तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है। इसे तेलंगाना में वुमेन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और हिंदू कैलेंडर के तेलुगु वर्जन के अनुसार दिन का नाम लिखा हुआ है, महालय अमावस के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार सितंबर या फिर अक्टूबर में आती है। तेलुगु में बथुकामा का मतलब होता है मदर गोडेस कम अलाइव। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने INS नीलगिरी के बारे में डिस्कस किया, गालो कम्युनिटी के बारे में हमने जाना, हमने ये भी जाना कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्ट्रॉयड का नाम रख दिया है पंडित जसराज के नाम पर। उसके बाद हमने डिस्कस किया सलार देउइनी के बारे में, ये एक साल्ट फ्लैट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये साल्ट फ्लैट है, कहाँ पर है? बोलीविया में, और इसके नीचे लिथियम के काफ़ी बड़े रिजर्व्स हैं जिनका इस्तेमाल अब किया जाएगा बोलीविया के द्वारा, और ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में। माउंट ब्लैंक के बारे में हमने डिस्कस किया और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया बथुकामा के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।